Hello friends, good day to all. Today I am discussing the multiple choice question for the NEET aspirant. So, सभी medical examinations वाले बच्चों के लिए एक अच्छा platform है, इसलिए मैं सभी 11th, 12th biology student और NEET वाले बच्चों के को मैं मतलब request करूंगा कि एक बार इस channel को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये उनके लिए भी बेटर है और अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी. द फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग pair of plant can be vegetatively propagated by leaves. Listen carefully, इसमें leaves के बारे में बोला है कि leaves का vegetative propagation क्या होगा और किसके through होगा. The option number one is chrysanthemum and agave. Agave के अंदर bulbil होता है, यह हमें पता है. Agave के अंदर क्या रहता है, agave के अंदर bulbil होगा, तो definitely आपको पता होना चाहिए कि bulbil इसका answer नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किससे पूछ रहा है, ये leaves से पूछ रहा है. Again second option में भी agave है, तो second option भी wrong हो गया. Third option bryophyllum and calanchoe, इसके बारे में सोचा जा सकता है. Fourth option aspergus and bryophyllum. ब्रायोफिलम ठीक है, लेकिन एस्परगस के अंदर फिर से हम एक कह सकते हैं कि इसके अंदर भी एक तरीके से बल्बिल के द्वारा ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. तो राइट आंसर क्या है इसका, आपका थर्ड राइट आंसर है ब्रायोफिलम एंड कैलेंचॉय, क्योंकि ब्रायोफिलम और कैलेंचॉय के अंदर रिप्रोडक्शन जो होती है वो किससे होती है, लीव्स से होती है. सेकेंड क्वेश्चन, ट्यूडियन आर स्पेशलाइज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर ब्लैंक एंड ब्लैंक इन ब्लैंक. तो ट्यूरियन के अंदर क्या रहता है, आपको हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि चैप्टर 1 के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के लिए. तो ऑब्वियसली आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला वर्ड कहाँ मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है, तो एक्वेटिक प्लांट्स का नाम हो गया पोटोमिजिटॉन. तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चंस देख के. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म. मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं से भी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ में कोरिलेट नहीं करती है. तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये तो बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. मैंगो ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पेन देन पीपल, ये भी ठीक है. द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट इज सिमिलर विद द वाइड डिफरेंस ऑफ लाइफ स्पेन, ये भी ठीक है. द लाइफ स्पेन ऑफ बनाना इज लेस देन सीरियल्स. सीरियल्स से बनाना का लाइफ स्पेन कम कैसे हो सकता है, क्योंकि सीरियल्स का लाइफ स्पेन क्या रहता है, ऑब्वियसली हम बात करें तो सीरियल्स एनुअल प्लांट है, 1 ईयर का लाइफ स्पेन हम मान सकते हैं, लेकिन जो है बनाना है वो उसका लाइफ स्पेन तो डेफिनेटली सीरियल से ज्यादा ही होगा. तो ये वाला ऑप्शन राइट हो गया, ये वाला जो करेक्ट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. चलो इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. क्वेश्चन नंबर 4, मैंगो प्लांट इज, मैंगो कौन सा प्लांट है, मैंगो ये एक सीजनल प्लांट है, ये एक पेरिनियल प्लांट है और फ्रूटिंग इसमें एक से ज्यादा बार, हर मौसम में आप मैंगो खाते हैं. पॉलीकार्पिक फ्रूट है, बार बार फ्रूट आते हैं इस पौधे के ऊपर, तो पॉलीकार्पिक तो है. इसका मीनिंग हो गया कि आपका यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया. पहले आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को अलग कर दीजिए तो अपने आप राइट आंसर आ जाएगा. ओके, पॉलीगेमस पॉलीकार्पिक बाई एनुअल, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि बाई एनुअल तो होता ही नहीं है, पेरिनियल बोला था हमने, पेरिनियल 2 के अंदर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलीकार्पिक डायोशियस. डायोशियस कैसे हो सकता है, मैंगो, मैंगो डायोशियस नहीं होता है, मैंगो क्या होता है, पॉलीगेमस होता है. अब आपके लिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगेमस. पॉलीगेमस का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, जिसपे स्टेमिनेट फ्लावर हो, जिसपे पिस्टिलेट फ्लावर, यानी तीनों तरह के फ्लावर हो.
यानी बाइसेक्सुअल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज देयर, यानी कि एक ब्रांच के ऊपर बाइसेक्सुअल तो दूसरी ब्रांच पे अपना स्टेमिनेट मिल सकता है और किसी ब्रांच पे पिस्टिलेट मिल सकता है, एक ही प्लांट में तीनों तरह के फ्लावर जब प्रेजेंट होंगे तो उसको पॉलीगेमस कहेंगे। आपका राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रोबायलेंसस कुंतियाना फ्लावर्स वंस इन, यह आप पढ़ चुके हैं, यह आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले फ्लावर कब हुआ था? 2006। सबसे पहले फ्लावर कब हुआ था? 2006। और हर बार ये कब रिपीट होता है? आपको बताया था अभी 2018 गया था, 2018 के अंदर फिर से इसके अंदर फ्लावरिंग हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या है? 12 ईयर्स, यानी कि 2006 में सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर फर्स्ट फ्लावर हुआ था, देन आफ्टर 2018, और अगर आगे क्वेश्चन आता है तो 2018 में 12 ईयर एड और कर देंगे तो 2030 में ये फिर से फ्लावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लेसन जा रहा है, सेशन अपना बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, इनको नोट भी कीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसको बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेसन आगे फ्यूचर में आपको मिलेंगे। बहुत से सेशन लूंगा मैं, इसमें एमसीक्यू भी डिस्कस किए जाएंगे और भी बहुत से बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा। चलो क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता था? फर्टिलाइजेशन से पहले गैमिट बनता था और गैमिट ट्रांसफर होता था, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है गैमिटोजेनेसिस, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बिल्कुल है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज अ फीमेल गैमिटोफाइट एंड फीमेल गैमिटोफाइट फर्टिलाइजेशन से पहले ही बनता है, गैमिट ट्रांसफर भी फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। देन ऑप्शन कौन सा हो गया? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। आप कंफ्यूजन इससे हो सकते हो सेकंड से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमिटोफाइट है जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज डैश एंड प्लेस्ड ऑन दिस, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा जो है उसको क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर जो वर्ड लिया जाता है वह ये आर्चिगोनियम वर्ड जो है वो ब्रायोफाइट के अंदर लिया जाता है, इसके अंदर जो वर्ड है वो नुक्यूल लिया जाता है और वो एडेक्सियल सरफेस पे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कारा के अंदर क्या कहलाता है? नुक्यूल कहलाता है, और कौन सी सरफेस पे होता है? एडेक्सियल सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन इन द फिगर इज, इनमें से किसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द फिगर, यहाँ पे फिगर दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको फिगर बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला फिगर है इस तरीके से, और इसके अंदर ये इस तरीके से फिगर है। अब आप बताइए इस फिगर के अकॉर्डिंगली ये कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लग रहा है? तो ऑब्वियसली आप बताएंगे कि सर ये तो बल्बिल लग रहा है, और बल्बिल किसके अंदर होता है? अग्नियों के अंदर होता है, क्योंकि ये लीफ नहीं है, ये ऑफसेट भी नहीं है, ऑफसेट का डायग्राम दूसरा होता है, आई ऑफ पोटेटो भी नहीं है, तो ये आंसर क्या हो गया? बल्बिल हो गया, कि बल्बिल ऑफ अग्नियों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मेक द फॉलोइंग, इसके अंदर आप देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को जब आप मैच करेंगे क्राइसेंथेमम, तो क्राइसेंथेमम के अंदर क्या रहता है? सकर रहता है। अच्छा, कुछ ऑप्शंस आपको नहीं आते तो जो आते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैच करेंगे। जैसे मान लीजिए कोलोकेशिया, तो कोलोकेशिया में इमीडिएटली आपको आना चाहिए, कोलोकेशिया में वन आना, सी में वन आना चाहिए, कि कोलोकेशिया जो है अरबी, जो है अरबी के अंदर कॉम टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, तो इसके अंदर सी पे वन आपको कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन वन और टू में नजर आ रहा है। और अब बी की बात करें, बी पे फोर्थ होगा या बी पे थर्ड होगा, नार्सिसस की बात करें तो अनियन के अंदर बल्ब होता है और नार्सिसस के अंदर भी बल्ब ही होता है, तो इस तरीके से आपको आंसर हो जाएगा बी पे थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट हो गया, ए पे सेकंड, क्राइसेंथेमम का सकर हो गया, नार्सिसस का बल्ब हो गया, कोलोकेशिया का कॉम हो गया, एस्पीडियम का राइजोबियम हो गया। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कटिंग आर द कट पीस ऑफ प्लांट पार्ट विच आर यूज टू गेट न्यू प्लांट रूट, कटिंग आर नॉट यूज इन द केस ऑफ,
कटिंग किसके अंदर बिल्कुल काम में नहीं ली जाती है। तो कटिंग आर द कट पीस ऑफ द प्लांटेड विच आर द यूज टू गेट न्यू प्लांटेड रूट कटिंग आर नॉट यूज इन ऑब्वियसली चाइना रोज। चाइना रोज में कभी रूट कटिंग नहीं होता है, बाकी लेमन है, टेमरिंड है, रेस्परी है, इन सभी के अंदर रूट कटिंग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑन वन आउट विद रेस्पेक्ट टू पॉलीकार्पिक रूट। पॉलीकार्पिक जिसके अंदर फूटिंग एक से ज्यादा बार होती है, आप खुद बताइए। जितने भी सीजनेबल, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, जितने भी सीजनेबल फ्रूट होते हैं वो सीजनेबल फ्रूट को पता कीजिए। तो सीजनेबल फ्रूट तीन है, राइस सीजनेबल फ्रूट नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो गया, ऑड वन हो गया, राइस। राइस इसका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट। हार्मोन और एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो क्या क्या रेगुलेट करते हैं। ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज ऑफ लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन। तो ऑब्वियसली ये दो फैक्टर ऐसे हैं, हार्मोन और एनवायरमेंटल फैक्टर, जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आने को अफेक्ट करते हैं, सिनेसेंट फेज को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है हार्मोन के कारण सिनेसिस हार्मोन भी होता है। आपने सुना है एब्सेसिक एसिड के बारे में, जो कि सिनेसेंस हार्मोन होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, राइट। बिल्कुल नेक्स्ट 13, डॉटर सेल फॉर्म इन रिलेशन टू ईच अदर ड्यूरिंग द बडिंग इज। बडिंग डॉटर सेल फॉर्म इन रिलेशन टू ईच अदर ड्यूरिंग बडिंग आर। तो डेफिनेटली जो बडिंग है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली सारी प्रोजेनी क्लोन कहलाती है, और क्लोन जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु आर द ट्रांसफॉर्म इन टू ब्लू स्पेसिस ड्यू टू द फ्लॉवरिंग इज। बताया था मैंने आपको कि इन तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका में, केरला में सितंबर और अक्टूबर के नजदीक में 2006 में फ्लॉवरिंग हुई थी, 2018 में फिर से हुई थी। वो प्लांट का नाम क्या है, स्ट्रोबाइलेंटस कुंतियाना, जिसका जनरल नेम क्या है, जनरल नेम नीला कुरंजी है, नीला कुरंजी जिसका जनरल नेम है, और इसका आंसर जो है वो सेकेंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, चलो आगे लेते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के कैसे क्वेश्चन से आपको किस तरीके से इनको हैंडल करना है। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, आप बेल आइकन जरूर दबाएं और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू डायोसियस प्लांट। चलो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, डायोसियस प्लांट का क्या आंसर हो सकता है। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, चलो कमेंट सेक्शन में जाके आंसर दीजिए। यस, द डायोसियस प्लांट कौन नहीं है, तो डेट पाम डायोसियस है, पपैया डायोसियस है, मलबरी डायोसियस है, लेकिन कुकर बीट मोनोसियस प्लांट है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका हो गया थर्ड। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मैच कॉलम वन एंड कॉलम टू विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म एंड क्रोमोसोम नंबर। ओके, पोटेटो के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको याद रखना है। एप्पल के अंदर 34 होते हैं, और राइस के अंदर कितने होते हैं, मेज में कितने होते हैं, ये तो बी के ऊपर क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। तो आप देखिए बी के ऊपर सेकंड कहाँ है, एक तो वन में है और एक फोर्थ में है। चलो उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं ए, ए के ऊपर सेकंड आना चाहिए। तो ए के ऊपर सेकंड कहाँ नजर आ रहा है आपको, केवल थर्ड ऑप्शन में ही ए के ऊपर सेकंड आ रहा है, यानी कि इसका आंसर तो बिल्कुल एक ही चीज से मिल गया आपको। क्यों, क्योंकि पोटेटो में 48 होना चाहिए, एप्पल के अंदर 34 होना चाहिए, राइस के अंदर 24 हो गया, और मेज के अंदर जो है वो 20 हो गया। तो इस तरीके से आप इसका ऑप्शन बिल्कुल इजी तरीके से मैच कर सकते हैं, क्योंकि ए पे सेकंड जो है वो मेरे हिसाब से थर्ड में आ रहा है। बिल्कुल राइट कह रहे हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वाइटल लिंक वर्ड आते ही जायगोट आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको डिस्कस किया था कि जायगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन द टू सक्सेसिव जनरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन के रेफरेंस में कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, तो आप खुद बता देंगे कि सर आपने पढ़ाया था कि बनियन ट्री ठीक है 200 to 300 ईयर्स, कोई आप प्लांट 3000 to 4000 ईयर, वीट 3 to 4 मंथ जो कि एनुअल प्लांट है, लेकिन बेम्बू में आपने बताया था
इसमें फ्लावरिंग की जब 50 to 100 ईयर्स के बाद में होती है तो इसका लाइफ स्पेन 10 to 15 ईयर कैसे हो सकता है? ये आपका गलत आंसर है. तो मतलब आंसर राइट है और इनकरेक्ट मैथ से है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस वेजिटेबली बाय बल्बिल? बल्बिल में कौन आंसर सही नहीं है? तो आप देखेंगे कि साइकस जो कि जिम्नोस्पर्म है उसमें भी बल्बिल के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है. ओके, अगेव के अंदर भी बल्बिल के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है. तो अब दो ऑप्शन आपके सामने है, एक तो वेरिशनेरिया है और एक ब्रायोफिलम है. तो ब्रायोफिलम की कुछ स्पीसीज में भी बल्बिल के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है लेकिन वेरिशनेरिया में बिल्कुल नहीं होता. तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? आपका वेरिशनेरिया राइट आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मियोसिस इज इन्वॉल्व? किसके अंदर मियोसिस होती है? असेक्सुअल में बिल्कुल नहीं होती है. असेक्सुअल में तो माइटोसिस डिवीजन होता है. वेजिटेटिव में भी माइटोसिस होता है. डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एग सेल विदाउट व्हाट? विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डिप्लॉइड एग सेल से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा तो ऑब्वियसली वो माइटोसिस से ही बनेगा. यहाँ पे भी मियोसिस नहीं होगी. तो एम्फी मिक्सिस जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मियोसिस इज इन्वॉल्व? एम्फी मिक्सिस का मतलब है फर्टिलाइजेशन. और जहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है ऑब्वियसली वहां जब गैमिट बनेंगे और गैमिट के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो गैमिट में बनने के समय ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमिटो गैमिट दैट कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस वहां मियोसिस तो होगी ही होगी. ओके, तो ये क्वेश्चंस थे 20. आपको बहुत अच्छे लगा होगा ये सेशन. आपको इस तरीके के और भी सेशन अगर अटेंड करने हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स और वंस अगेन अ गुड डे, अ हैप्पी डे. थैंक यू, थैंक्स ऑल.